खुद में इतिहास की कई घटनाओं को समेटे और वर्तमान में भी धरोहर के रूप में मौजूद पटना का ऐतिहासिक गोलघर आज 236 साल का हो गया है। राजधानी की शान और धरोहर आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षक बना हुआ है। यहां आने के बाद आप एक बार गोलघर जरूर देखने जाएंगे। गोलघर में घूमने के साथ साथ आप लेजर शो का मजा भी ले सकते हैं। लेजर शो के जरिए आपको बिहार की गौरवशाली पाटलिपुत्र का इतिहास और गोलघर के बनने की कहानी के साथ अन्य ऐतिहासिक और रोचक जानकारी बताई जाएंगी। समय समय पर विजुअल कंटेंट में बदलाव भी किया जाएगा। एक बार में लेजर शो देखने के लिए 25 से 30 दर्शकों को मौका मिलेगा, जिसके लिए उन्हें हेडफोन भी मुहैया कराया जाएगा। गोलघर के प्रति पर्यटकों का आकर्षक बढ़ाने और बिहार की ऐतिहासिक महत्ता को बताने के लिए बिहार सरकार भी लगातार प्रयासरत है। साल 2011 में गोलघर की दीवारों में दरारें दिखने लगी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने इसके संरक्षण की जिम्मेदारी ASI विभाग को सौंप दिया था और फिर साल 2015 में गोलघर के अंदर लेजर शो की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्घाटन CM नीतीश कुमार ने किया था। तो चलिए अब थोड़ा गोलघर के निर्माण कार्य का इतिहास भी जान लेते हैं। अक्सर लोगों के मन में अभी भी यह सवाल उठता है कि आखिर गोलघर का निर्माण किसने और क्यों कराया था। ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जो पर्यटकों के साथ ही आम जनों के जहन में भी चलते रहते हैं। दरअसल 1770 में आए भयंकर सूखे के दौरान लगभग 1 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हो गए थे। हेस्टिंग्स ने साल 1770 के अकाल का स्थायी समाधान तलाश रहे थे। उस अकाल में बिहार, बंगाल और ढाका में 10 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। तब के गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग ने गोलघर के निर्माण की योजना बनाई थी और ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गार्स्टिंग को जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। अनाज के भंडारण के लिए इस गोलघर ढांचे का निर्माण 20 जनवरी 1784 को शुरू कराया गया था। महज ढाई साल में ही यानी 20 जुलाई 1786 को गोलघर का निर्माण कार्य पूरा हो गया था। गोलघर का आकार 125 मीटर और ऊंचाई 29 मीटर है। इसके शिखर पर लगभग 3 मीटर तक ईंट की जगह पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें एक साथ 1,40,000 टन अनाज रखा जा सकता है। हालांकि गोलघर बनने के बाद ही इसमें कई खामियां सामने आने लगी थी। इसके दरवाजे भीतर की ओर खुलते हैं, जिसके कारण कभी भी पूरा भरा नहीं जा सका। दूसरी खामी यह थी कि गर्मी के कारण इसमें अनाज जल्दी सड़ जाते थे, लिहाजा इसे बनाने का उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सका। तभी अंग्रेजों ने इसके निर्माण में खामियों को गार्स्टिंग की मूर्खता बताया था। इसके बावजूद भी गोलघर काफी पॉपुलर है। बता दें कि गोलघर को 1979 में राज्य संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया था। इसके निर्माण में कहीं भी स्तंभ नहीं है। गुंबदार आकृति के कारण इसकी तुलना 1627 से लेकर 1655 में बने मोहम्मद आली शाह के मकबरे से की जाती है। गोलघर के अंदर एक आवाज 27 से 32 बार झंकार होती है। यह अपने आप में अनोखा है। यही नहीं बल्कि गोलघर के 145 सीढ़ियों के सहारे आप इसके ऊपरी सिरे पर जा सकते हैं, जहां से शहर का एक बड़ा हिस्सा देखा जा सकता है और गंगा की लहरों को यहां से निहारा जा सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।